ऐसा सरकार क्यों है, निकम्मा सरकार? कौन सरकार, केंद्र की कि यहाँ झारखंड? केंद्र का जो बोला कि बड़ा बड़ा बात बोलता है केंद्रीय मोदी जी कि यानी मजदूर को हम काम देंगे, मजदूर का भूखा नहीं मरने देंगे, मजदूर यहाँ भूखा मर रहा है। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा बोलने में? हमको डर क्या लगेगा, हम तो मरने के लिए तैयार है, जहाँ भी हमको मरेगा हम मरने के लिए तैयार है। पीछे ऐसे देख के लग रहा होगा कि ये पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, कोयले का खदान है, जहाँ पर वेस्टेज जो है, जो पत्थर निकलता है, उसको इस तरह से जमा कर दिया गया है। और इस तरह से देखने में लगता है कि पहाड़ है, चारों तरफ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। हम आपको दिखाते हैं कि कोयला कैसे निकलता है, और बात करेंगे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे कि पहले तो सुरंग टाइप से होता था, कि सुरंग होता था और उसके अंदर से कोयला निकाला जाता था, उसमें जान का भी खतरा बहुत रहता था, लेकिन अब इस तरह से क्या बोलते हैं अब इसको, जो ये ओपन कास्ट है। अच्छा, आपका नाम बताइए? मोहम्मद कमाल। कमाल साहब, पहले सुरंग वाला होता था, उसको खदान बोला जाता था, खदान, अभी ये ओपन कास्ट हो गया। अभी भी खदान दो जगह है, ये तेतुलमारी में है और एक यहाँ कतरास चतुड़ी। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये बाजोड़ा। अच्छा, सिंदरा बाजोड़ा पर ओपन वाला है? ओपन है, ये टोटल ओपन है, ये दो जगह छोट। अब बाजोड़ा यानी BCCL के अंदर ये दो कोलबरी हम लोग का अपना निगाह में है, ये अंदर ग्राउंड है, जो बाकी सब ओपन कास्ट है। पहले उसमें सुरंग में जो बोलते हैं खदान, उसमें पानी निकल जाता? हाँ, पानी है, चाल है, यही सब के डर सताता था आदमी। अभी भी देखिए हाल फिलहाल यानी ये कुजामा एरिया तरफ अभी खदान में पानी अति हो गया, जो दो आदमी मर भी गया, इसीलिए उससे अच्छा ये बेहतर हो गया है ओपन कास्ट। इसमें सिर्फ मजदूर का मरण हो गया है कि मान लीजिए जो ओपन अति अंडरग्राउंड होता रहा उसमें मान लीजिए 10-20-150 मजदूर काम करता था, और अभी क्या है मशीन आ गई है, मशीन आने से मजदूर में थोड़ा कमी हो गया कमाने का, रोजगार घट गया, इसलिए मशीन अभी 100 एकल काम करता है और उस वक्त 100 मजदूर जाता रहा। तो प्रोटेक्शन आनी, एक चीज़ बोला जाता है कि ये जो ओपन कास्ट हुआ है तो इसमें बहुत कम गहराई तक से ही कोयला निकाला जाता है, जबकि खदान था तो बहुत नीचे से कोयला। नहीं 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 नहीं, ऐसा गलत है, खदान कम में उठता था, खदान में कम होता था, खदान में खर्चा कम लगता था, और खदान में कम यानी डीप करके कोयला निकाला जाता रहा, और ये तो ज़्यादा है, ये तो 500 फीट तक डीप होता है, 700 डीप होता है तो कोयला निकलता है। अच्छा, पानी निकलता है? पानी निकलता है, पानी मोटर से सुखाया जाता है। अच्छा, अभी भी देखिए यहीं पे बगल में, चलिए दिखाते हैं, मोटर लगा हुआ है, पानी यदि है समझे ना, अभी भी चल रहा है, पानी सूख जाता है। ये ओपन कास्ट से यानी ये खतरा को डर खत्म हो जाता है। ये सिर्फ ब्लास्टिंग जब होता है तो जो अगल बगल घर है, मजदूर है, ये ब्लास्टिंग के टाइम में पत्थर जो उड़ता है उससे डर होता है, घर द्वार फट जाता है। अलर्ट किया जाता है कि ब्लास्ट? अलर्ट किया जाता है, लेकिन अलर्ट मान ली वो ब्लास्टिंग किया, वो पत्थर किसी के देख के थोड़े निवार होता है, वो माल कम देने से बड़ा ब्लास्टिंग हो जाता है जिसका कोई मायने नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे आप दिखाएं कि अच्छा कोयला कौन है, पत्थर वेस्टेज कौन है, यही पहचान करा दीजिए। देखिए ये कोयला जो है बड़ा वाला, ये एक नंबर कोयला है, ये 4 सिम का कोयला है, ये हाँ ये वास्तव 3 हुआ, ये 4 सिम का कोयला है, और वहाँ बेंच बाय बेंच होता है कोयला, वो उसको बताया जाता है, ये 4 सिम हुआ, 5 सिम है, 10 सिम है, 6 सिम है, 4 क्वालिटी का कोयला भी यहाँ पर आपको बाजोड़ा के अंदर में मिलेगा। सबसे बढ़िया 4 उसका 9 सिम है, सबसे बढ़िया सबसे टॉपर कोयला 4 सिम है, जो कि यानी और एक 10 सिम है जो कि कोयला यानी वो वाला जहाँ जल गया है, जबकि वो एक नंबर कोयला है। पत्थर कौन सा है? पत्थर देखिए ये सब है, देखिए ये पत्थर हुआ, ये पत्थर है, स्टोन चमक नहीं, इसको स्टोन है बोला जाता है, यही सब जमा किए हैं वहाँ? हाँ नहीं, ये सादा भी है, ये स्टोन यानी काला का है, अब वो सादा है तो वो भी स्टोन है, ये भी स्टोन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोयला का मात्रा आ जाता है, मतलब ये वेस्टेज ही है ना, पत्थर ही है? हाँ वो पत्थर है, ये सब रद्दी हो गया, बेकार है, ये कोयला इसको बोलते हैं, ये हो गया कोयला। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें आपको चमकदार है, देखिए ऐसे इसे कोयला है ये, ठीक है, और पत्थर, अरे पत्थर हो गया ये, एक रेशा है, एक जगह इसमें रेशा है, उसमें एक जगह रेशा है, रेशा नहीं है, ये हो गया पत्थर, ये हो गया कोयला, इसको बोलते हैं। ये सब जो पहाड़ जैसा बना दिया गया है, ये सब तो आपका ओबी है, सब पत्थर है, बेकार बोला, कोयला नहीं,
ये सब कहाँ कहाँ जा रहा है कोयला? बिहार झारखंड ये सब वही से जाएगा। बिहार रघुनाथपुर जाएगा। नाम बताइए। मेरा नाम ग्यास अंसारी हुआ। यह दंगल संख्या 36 गो है। 400 मजदूर हैं। मजदूर मैनुअल लोडिंग करता है, मजदूरी करता है। उपायुक्त सुधीर कुमार का 1994 में ट्रक लोडिंग का कारण एक संगठित मजदूर बनाया गया, जिसका कारण यहाँ का लेबर लोग भुखमरी कालम पर हैं। 10 को 5 को ट्रक लगता है, 36 को दंगल। सप्ताह में 15 दिन में एक ट्रक को मजदूरी नहीं मिल पाती है। हाँ, सबको मजदूरी नहीं मिलता, जिसका कारण सब मजदूर लोग यहाँ का बांस उड़ा का बहुत यहाँ शोषण होता है, जिसका कारण यहाँ का मजदूर लोग भुखमरी कालम। शोषण कौन करता है? मतलब कि MPL जो लगता है, गुंडा लोग। यहाँ का जो गुंडा स्थानीय है वो लोग करता है, और कौन करेगा? MPL है, RTPS है, ये सब लगा के। और BCCL मैनेजमेंट जो है वो भी उन लोग से डरता है, जो कि मजदूर का कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मजदूर है मजबूर है, मजदूर है मजबूर है। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा बोलने में? हमको डर क्या लगेगा, हम तो मरने के लिए तैयार है। जहाँ भी हमको मरेगा हम मरने के लिए तैयार है। मरता क्या नहीं करता है, पेट से मरेंगे तो भी मरना है, गोली से मारेगा गोली से भी मरेंगे। सरकार को नहीं आप लोग कुछ? सरकार हम लोग को देखने बोले तो मजबूर मजदूर जो होता है वो मजबूर होता है। सरकार क्या, सरकार कोई भी देखने वाला नहीं है गरीब को। मजदूर को अगर आज देखता तो आज मजदूर भूखे मरता? हफ्ता में एक दिन गाड़ी भरता है, महीना में 4 गो गाड़ी भरेगा तो 4 गो गाड़ी में मान लीजिए ज़्यादा, अभी मान लीजिए महंगाई की वजह से 500 रुपये कमा लेगा, 2000 में खुराकी चल जाएगा महीना का, उसके पीछे बाल बच्चा है। लेकिन ये ना सरकार देखती है, ना मेजरमेंट देखती है, ना यहाँ का प्रशासन देखता है। प्रशासन यहाँ गुंडा लोग के अति करता है। कोयला बर्बाद भी हो रहा है, कोयला बर्बाद हो रहा है। देखिए ये हम लोग का अगर दिया जाए वासी फोर में सिलेक्ट में, हमारा मजदूर देखिए सब लोड करके निकलेगा, सब अपना लोड करके निकलेगा। हम लोग ऑफर मांगेंगे, हम लोग सरकार का संपत्ति बर्बाद हो रहा है, मगर मेजरमेंट लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। देख लीजिए कोयला कितना बर्बाद हो रहा है, वो भी कोपर गिरा दिया, अभी 2-4 बुकेट उठा लेगा और फिर इसका ऊपर वो भी उठा देगा। देखिए उधर वो भी गिरा रहा, कोयला सब ढक रहा है, कोयला में देखिए उससे आग लगा दिया। कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, मजदूर पर शोषण हो रहा। मजदूर लोग देखिए कोयला इतना है, हमारे ऑफर दे नहीं रहा है, फॉरवर्ड ऑप्शन का अगर ऑफर दे तो यहाँ का मजदूर लोग आज BCCL जो बोलती है काम मिलेगा तो कोयला भी बचेगा, कोयला बचेगा। आज BCCL बोलती है मैं घाटा में, एक आज BCCL का कोयला क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, कम रेट में MPL RTPS लोग को दे रहा है। आज यही फॉरवर्ड ऑप्शन को दे, ट्रक लोडिंग दे, मजदूर लोग लोड खुद करेगा तो BCCL को अच्छा से अच्छा मुनाफा होगा, और मजदूर लोग आज जो भुखमरी कालम पर है वो भुखमरी नहीं होगा। और वही RTPS और MPL में देता है वो 2000-1500 का बिल्डिंग होता है, तो बताइए वो कौन फायदा दे रहा है? जो मजदूर लोड कर रहा है वो फायदा दे रहा है कि RTPS और MPL दे रहा है? बोलता है सरकार को, सरकार सरकार ने सब फायदा लेगा तो मजदूर कहाँ रहेगा? मजदूर तो मर के चल जाएगा, तो ऐसा सरकार क्यों है? निकम्मा सरकार। कौन सरकार? केंद्र की कि यहाँ झारखंड? केंद्र का जो बोला कि बड़ा बड़ा बात बोलता है केंद्रीय मोदी जी कि यानी मजदूर को हम काम देंगे, मजदूर का भूखा नहीं मरने देंगे। मजदूर यहाँ भूखा मर रहा है, यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह कमाने जा रहा है। हमारा घर में खेती है लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं क्या? ये कोयला बर्बाद हो रहा है लेकिन हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है क्या? तो हम अभी भरेंगे तो तुरंत कहेगा चोरी की गाड़ी है, और यही अगला कोई दबंग भरेगा तो कोई चोरी नहीं होगा। दबंग है? हाँ दबंग है। वो लोग दुनिया डरती है, हम लोग गरीब आदमी है कमाने खाने वाला, तो हम लोग पर प्रशासन आएगा, मीडिया आएगा, हर लोग आके हम लोग पर दबाव करेगा, लेकिन आगे के कोई दबाने वाला नहीं है। आए तो थे हम यहाँ की देखने और दिखाने आपको कि कोयला कैसे निकलता है BCCL का ओपन, क्या बोलते हैं इसको, ओपन कास्ट से। पहले खादान होता था सुरंग टाइप में जो कि खतरनाक होता था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया, कहीं कहीं चालू है। लेकिन यहाँ आने के बाद समस्या पता चला कि इनकी अपनी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं आप सुने, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इनकी समस्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक फॉलो कर लीजिए पेज को, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। चलते हैं, जय भीम जय भारत।